कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी के सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूलों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की और कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निजी स्कूलों के प्रबंधकों से कहा कि सभी निजी स्कूल 25% गरीब बच्चों को RTE के तहत एडमिशन दें, अभिभावकों से स्कूल की निर्धारित फीस ही ली जाए, अतिरिक्त फीस लेने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी स्कूलों में पेयजल, बिजली और फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने 100 दिन में व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रत्येक निजी स्कूल को पास के एक गांव और एक स्कूल गोद लेना होगा, जिससे कि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे, कोविड को देखते हुए भी सभी सावधानियां बरती जाएं। देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके आज मैंने यहाँ बैठक की और उनसे 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला ये गया है कि 25% गरीब बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाएंगे। दूसरा ये कहा है उनके मैंने कि भाई वो जो है अपने अपने स्कूलों में, जहाँ भी उनकी स्कूलें हैं, वो जितना फीस जो है उन्हें निर्धारित कर रखी है उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते। और तीसरी बात मैंने ये कही उनको कि वो जो है अपने क्षेत्र के एक एक गांव को गोद लेंगे और एक एक सरकारी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि शिक्षा का आदान प्रदान किया जा सके। देखिए, मैंने ये कहा है सभी शिक्षा अधिकारियों को कि सरकार की तरफ से शौचालय, फर्नीचर, बिजली के कनेक्शन, पानी की व्यवस्था, इसके लिए पैसे दिए गए हैं और सबको हमने निर्देश दिए हैं कि 100 दिन में पूरे होने चाहिए। जो हमारे उपनल कर्मी हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को चलाया है, लगभग 650 लोग हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है। और जो उनकी 78 दिन की सैलरी है वो भी कैबिनेट निर्णय हो चुका है कि वह उनको दी जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम हमारे मेडिकल कॉलेज में किया है। जो जो फैकल्टी हमको और चाहिए, 340 फैकल्टी की नियुक्ति हम अभी एक महीने में करने जा रहे हैं, परमानेंट फैकल्टी की। उसमें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है। वैसे प्रोफेसरों के भी हम एक महीने में विज्ञापन निकाल रहे हैं और अच्छी से अच्छी फैकल्टी कैसे हमारे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आए, ये सरकार का भी वो है प्रयास है। और हमने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी को भी अधिकृत कर रखा है कि कोई भी दिक्कत हो तो उनको सॉर्ट आउट कर सकते।